हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे होंडा की WRV 2020 BS6 मॉडल के बारे में, जो कि होंडा ने इंडिया में अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च की है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कार का रिव्यू नहीं है, हम बात करेंगे कार के अलग अलग वेरिएंट्स की, क्योंकि मैंने देखा है कि गाड़ी पसंद करना ज़्यादा आसान होता है बजाय उसके वेरिएंट्स को पसंद करने के। आजकल वैसे भी कंपनियां एक कार के कई वेरिएंट्स निकालती हैं, जिससे ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है कि कौन सा मॉडल लिया जाए। रिसेंटली मैं मार्केट में अपने लिए कार ढूंढ रहा था और कार पसंद करने के बाद वेरिएंट पसंद करना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स की, जो हैं SV और VX। होंडा ने ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, जहां मार्केट में कंपनीज मल्टीपल वेरिएंट निकाल रही हैं, वहीं होंडा ने इसके बिल्कुल अपोजिट किया है और वेरिएंट्स कम कर दिए हैं। होंडा की WRV आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के साथ मिलेगी और साथ में मिलेगा मैनुअल गेयरबॉक्स। फिलहाल के लिए होंडा ने इस कार के साथ ऑटोमेटिक नहीं दिया है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो पेट्रोल SV वेरिएंट आपको मिल जाएगा 8,49,900 एक्सशोरूम डेली, और VX टॉप मॉडल वेरिएंट आपको मिलेगा 9,69,900। वहीं पे डीजल SV वेरिएंट के लिए बात करें तो वो है 9,79,900 एक्सशोरूम, एंड VX टॉप मॉडल डीजल है 10,99,900 एक्सशोरूम डेली। तो दोस्तों, दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में 1,20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। लेट्स सी कि ये 1,20,000 रुपीज़ देना समझदारी है या और होंडा हमें इतने पैसे में क्या अलग फीचर्स दे रहा है टॉप मॉडल में बेसिक मॉडल से। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर में डिफरेंसेस की बिटवीन SV मॉडल एंड VX मॉडल। तो जो VX टॉप मॉडल में, उसमें आपको सबसे पहले तो मिलेगी इलेक्ट्रिक सनरूफ, दूसरा आपको मिलेगा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL, और वहीं पे SV मॉडल में आपको मिलते हैं हेलोजन हेडलैम्प विद DRL। इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के पीछे की, तो वहाँ पे आपको मिलता है LED टेल लाइट्स इन VX एंड हेलोजन टेल लाइट्स इन SV। फ्रंट में फॉग लैम्प्स आपको LED मिलते हैं VX में और हेलोजन मिलते हैं SV में। टर्न इंडिकेटर्स आपको VX मॉडल में मिलते हैं ORVMs पे और SV मॉडल में मिलते हैं फ्रंट फेंडर्स पे। VX मॉडल में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर भी मिलता है और क्रोम हैंडल्स भी मिलते हैं। वहीं पे आपको SV मॉडल में मिलते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स। VX मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है और SV मॉडल में मिलता है माइक्रो एंटीना। तो ये तो बात हुई दोस्तों एक्सटीरियर के डिफरेंसेस की। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जो सबसे पहला आप नोटिस करेंगे वो है कि सिल्वर फिनिश ऑर्नामेंट आपको मिलता है डैशबोर्ड पे और डोर हैंडल्स में VX मॉडल पे, जो कि आपको नहीं मिलेगा SV मॉडल में। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको मिलती है VX मॉडल में, वो है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, और आपको इसके साथ मिलेगा सीट बैक पॉकेट पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही सीटों की इन VX मॉडल में, और SV मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे USB पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपको VX मॉडल में मिलते हैं 2 USB पोर्ट और SV मॉडल में मिलता है 1 USB पोर्ट। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटरटेनमेंट की, जिसमें आपको VX मॉडल में मिलते हैं 6 स्पीकर, 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर्स इन फ्रंट, और SV मॉडल में आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स। इसके साथ ही आपको मिलता है 1 पुश स्टार्ट बटन इन VX मॉडल, क्रूज कंट्रोल और पावर फोल्डेबल ORVMs भी मिलते हैं आपको VX मॉडल में, जो कि आपको नहीं मिलेंगे SV मॉडल में। इसके साथ ही आपको मिलता है फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, ये भी आपको VX मॉडल में मिलता है, जो कि आपको SV मॉडल में नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको मिलेगा फ्रंट मैप लैंप VX मॉडल में। तो ये तो डिफरेंसेस थे आपके इंटीरियर के। अब बात करते हैं सेफ्टी फ्रंट की, जहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में सब फीचर्स इक्वली मिल रहे हैं, और इस बात के लिए होंडा की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि सेफ्टी के मामले में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। तो दोस्तों, अगर मुझे अपना पैसा होंडा की WRV पे लगाना है और ये कार लेनी है, तो मैं लूँगा SV मॉडल, जो कि है बेस मॉडल, क्योंकि जो फीचर होंडा VX में दे रहा है, उसके लिए 1,20,000 रुपीज़ देना समझदारी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर देखा जाए तो सबसे बड़े फीचर आपको जो अलग मिल रहे हैं VX में वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है लेकिन काम की नहीं है। यहाँ पे वेदर की वजह से इसका यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि अच्छा फीचर है और होना भी चाहिए, बट इसके लिए इतना पैसा देना समझदारी नहीं है और आप इसे बाहर से भी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। इसके बाद जो एक बड़ा फीचर आपको मिल रहा है वो है पुश बटन स्टार्ट, जो कि एक लग्जरी आइटम है, ज़रूरत का नहीं है। इन तीन फीचर्स के अलावा बाकी सारे आइटम्स बहुत छोटे छोटे फीचर्स आपको होंडा दे रहा है, जिसके लिए आपको इन टोटल 120,000 स्पेंड करने हैं, जो कि आप डेली लाइफ में जब आप कार यूज़ करेंगे तो उन पे आपकी नज़र या आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी समझ से होंडा WRV 2020 SV वेरिएंट थम्स अप। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सही लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस कार पे चाहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।